आज के दिन यह पार्टी अवसरवादी सत्ता लोलुप लोगों के चंगुल में आ गई है। कर्पूरी लोहिया और जयप्रकाश जी के नीतियों पर चलने की बात कही गई थी, दरअसल वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है इस पार्टी में। नीतीश कुमार बिल्कुल लाचार हैं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को वो सुन नहीं पा रहे हैं या नहीं सुनना चाहते हैं। ललन सिंह जी में वो राजनीतिक संस्कृति नहीं है जो कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चल सकें, वो कॉरपोरेट कल्चर में भरोसा रखते हैं। साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। लगातार जदयू से एक एक कर नेता जो है पार्टी को छोड़ रहे हैं। आज एक बार फिर से पार्टी के वरिष्ठ नेता शंभुनाथ सिन्हा, पूर्व में महासचिव रह चुके, इन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क्या कारण रहा है कि जो आपने पार्टी से आज इस्तीफा दे दिया? दरअसल जदयू जिन नीतियों पर इसका निर्माण हुआ था, समता पार्टी से लेकर जदयू तक, जो कर्पूरी लोहिया और जयप्रकाश जी के नीतियों पर चलने की बात कही गई थी, दरअसल वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है इस पार्टी में। आज के दिन यह पार्टी अवसरवादी सत्ता लोलुप लोगों के चंगुल में आ गई है। नीतीश कुमार बिल्कुल लाचार हैं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को वो सुन नहीं पा रहे हैं या नहीं सुनना चाहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में इस पार्टी में 90% जो स्वाभाविक कार्यकर्ता हैं इसके, वो घुटन महसूस कर रहे हैं। और आज जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है समर्पित कार्यकर्ताओं को, उसी के विरोध में आज हम लोगों ने पूरे राज्य से जिला और राज्य स्तर के पदाधिकारी जो रहे हैं इस पार्टी में और समर्पित रहे हैं, आज अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जिस तरीके से आपने कहा कि नीतीश कुमार जो है कार्यकर्ताओं की बात को नहीं सुन रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चंगुल में फंसे हुए, कौन वो लोग हैं जिनकी बातों को नीतीश कुमार मान रहे हैं और जिससे नाराज होकर आप लोगों ने इस्तीफा दिया है? देखिए, मूल बात यह हम कहना चाह रहे हैं कि जो समर्पित कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनकी भावनाओं के अनुरूप यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब वो दो चार लोग हैं जिनके हाथ में पार्टी का नेतृत्व इन्होंने सौंपा है। नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, जो जब भी संगठन या पार्टी कमजोर होती है तो उसके अध्यक्ष ही जिम्मेवार होते हैं, और जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी बने हैं तो निश्चित रूप से जो पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो अपने को काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ललन सिंह जी में वो राजनीतिक संस्कृति नहीं है जो कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चल सकें, वो कॉरपोरेट कल्चर में भरोसा रखते हैं। और समता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर अपने बलिदान के बल पर इस पार्टी को खड़ा किया है, सींचा है और आज यहाँ तक पहुँचाया है। यदि उस पार्टी को कोई कमजोर करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में विद्रोह हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार कह रहे थे कि पार्टी कमजोर हो रही है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा था उत्तराधिकारी के रूप में, अभी इससे कुछ दिन पहले ही पूर्व सांसद मीना सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया, क्या आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा जी ने यह आवाज उठाई, इसकी जरूरत थी। और मैंने तुरंत में सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने भी मैंने उनकी बातों का समर्थन किया, बिल्कुल यही बात वो कह रहे थे। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी पिछले 2 वर्षों में यह महसूस किया था जो हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में एक विकल्पहीनता जो वैसे कार्यकर्ताओं के लिए थी, उनके लिए एक विकल्प तैयार होगा। और मैं समझता हूँ कि जदयू पूर्ण रूप से एक बार श्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपनी नई पार्टी बना ली है, आप किस ओर जा रहे हैं? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी जरूर बनाई है, मगर पार्टी बनाने का जो उद्देश्य है वो समता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को, उनके सम्मान को, उनके
कार्यक्रमों के रक्षा करने का ही है। इसलिए मैं समझता हूं कि नाम जरूर अलग होगा मगर उसमें 100% जदयू के। आपका रुख किस तरफ होगा? स्वाभाविक है, अगर वो हमारी बात कर रहे हैं, हमारी आवाज उठा रहे हैं, हमने उनका समर्थन किया है, हमारी विचारधारा एक है, तो निश्चित रूप से हमें साथ चलने में कोई परेशानी नहीं हो सकती। एक आखिरी सवाल रहेगा, जदयू कमजोर और इस बात को आप मानते हैं, और जिस तरीके से आज आपने इस्तीफा दिया, इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दिया है, और आगे किस तरफ से मतलब पार्टी से क्या और भी ऐसे कुछ नाम है या लोग पार्टी को छोड़ने वाले? कई लोग हैं जो अभी विकल्प तैयार हो रहा है, उनके संपर्क में है। कई बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जो लगातार संपर्क में हैं, और उचित अवसर आने पर आपको धीरे धीरे लगेगा कि जितने महत्वपूर्ण नेता इस पार्टी के हैं, जो समता पार्टी के जमाने से रहे हैं, वो पार्टी छोड़ देंगे। देखिए, जिस तरीके से लगातार पहले उपेंद्र कुशवाहा, फिर पूर्व सांसद मीना सिंह और आज वरिष्ठ नेता शंभुनाथ सिन्हा ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साफ तौर से इनका कहना है कि जो समता पार्टी थी उससे जो लोग इत्तेफाक रखते हैं या जो उस टाइम समता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, वो तमाम लोग जदयू से एक एक कर इस्तीफा दे देंगे। अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि क्या जदयू से और कितने ऐसे नाम सामने आते हैं जो पार्टी को छोड़ देते हैं। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।